हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से दोस्तों चैप्टर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसमें से टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। एंड यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी वीडियोज सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में। एंड 100 से ज़्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन पर भी बनाए गए हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है कि जेजुनम निम्नलिखित में से किसी की भाग है। तो दोस्तों, जेजुनम जो होता है छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, जिसमें से इलियम जो है सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट दोस्तों, भोजन का ग्रहणी में पहुंचने पर उसका क्या माध्यम होता है। तो दोस्तों, भोजन का ग्रहणी यानी कि डुओडेनम यानी कि छोटी आंत के पहले भाग, जो ही आमाशय से भोजन निकलता है जाके ग्रहणी में जाता है यानी छोटी आंत के पहले भाग में, डुओडेनम में, वहां पर पहुंचने में उसका माध्यम क्या होता है। अम्लीय ही होता है, क्योंकि जब आमाशय में भोजन जाता है तो जो वहां का अयस्यल होता है आमाशय में, उस भोजन को अम्लीय बना देता है। फिर वही अम्लीय भोजन जाता है छोटी आंत के पहले भाग डुओडेनम यानी कि ग्रहणी में, वहां पे अग्नाशय रस और पित्तरस मिलता है, जो इसको पित्तरस जो होता है अम्लीय से उसको क्षारी बनाता है। तो किस माध्यम में वो पहुंचता है? अम्लीय माध्यम में। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे शरीर में कितने प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? तो 6 प्रकार के। नेक्स्ट, पेप्सिन एंजाइम को माध्यम कैसा होता है? तो जो पेप्सिन एंजाइम होता है दोस्तों, वो क्षारीय होता है। कहाँ स्थापित होता है? आमाशय में। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है यानी प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट दोस्तों, ट्रिप्सिन एंजाइम का माध्यम क्या कैसा होता है? ये भी एक क्षारीय है, ठीक है। और यह कहाँ स्थापित होता है, कहाँ बनता है? तो अग्नाशय में यानी पैंक्रियाज में। ये क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है यानी कि प्रोटीन का ही पाचन करता है। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे शरीर में पाचन क्रिया को तेज करने का कार्य कौन करता है? तो पित्तरस यानी कि वाइल जूस करता है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में बिलरुबिन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो लीवर में यानी यकृत में बिलरुबिन का निर्माण होता है, जो हमारे रक्त जो होती है आरबीसी मरता है, मर करके प्लीहा में जाता है, उसी आरबीसी का जो है यकृत जो है बिलरुबिन का निर्माण करता है। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लूकोज का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में किस अंग में होता है? तो ग्लूकोज का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संग्रहण होता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे ज्यादा रासायनिक क्रियाएं किस अंग में होती हैं? तो किस अंग में सबसे ज्यादा रासायनिक क्रियाएं होती है दोस्तों? तो यकृत में होती है यानी कि लीवर में। नेक्स्ट है, ग्लूकोज को कौन नियंत्रण करता है? तो ग्लूकोज को कौन नियंत्रण करता है दोस्तों? इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। जैसे कि इंसुलिन का मात्रा हमारे शरीर में सही है तो बैलेंस रहता है, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं कर पाते, जिससे ग्लूकोज रक्त में बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं शुगर, ठीक है, यानी डायबिटीज हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, लार का टाइलिन किस माध्यम में सक्रिय होता है? तो लार का जो टाइलिन है किस माध्यम में सक्रिय होता है? तो क्षारीय माध्यम में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य होता है, तो ट्रिप्सिन क्या करता है? यह अग्नाशय में बनता है और यह प्रोटीन का आंत्र के क्षारीय माध्यम में पाचन करता है, ठीक है। बनता है या अग्नाशय में बट जाके मिलता है छोटी आंत के पहले भाग में भोजन में, ठीक है, भोजन में जाके वहां पे मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में कौन स्वाद में मीठी है किंतु वह शर्करा नहीं है? तो कौन है? स्टार्च। नेक्स्ट है, कौन सा मार्ग भोजन निगलने व अंतः श्वसन में समान कार्य करता है? दोस्तों, जब हम भोजन निगलते हैं तो हमारे मुख के तुरंत बाद होता है ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स। इस ग्रसनी में हमारे मुख से खाना भी उसी में जाता है, हमारे नाक से श्वास भी उसी में जाता है। ये दोनों, श्वास और भोजन निगलने, दोनों का ये एक मार्ग है। अब वहां से श्वास नली अलग, श्वास जो है श्वास नली में चला जाता है और भोजन भोजन नली में चला जाता है,
लेकिन इस ग्रहणी में मुख के तुरंत बाद जो स्थान होता है ग्रसनी यानी फेरेंक्स, उसमें श्वास और भोजन दोनों साथ में रहता है और वहीं से वो श्वास चला जाता है श्वास नली ट्रेकिया में और भोजन भोजन नली यानी कि ग्रास नली में चला जाता है। तो यहाँ पे फेरिंग ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है वायु नाल में भोजन प्रवेश को रोकने के लिए कौन सा छिद्र होता है दोस्तों? एपिग्लोटिस होता है, जो क्या करता है जब हम सांस लेते हैं तो वह भोजन नली को यानी जब हम खाना खाते हैं तो वायु नली को बंद कर देता है जिससे वायु नली में यानी श्वास नली में भोजन न जाने पाए। उसी तरह जब सांस लेते हैं तो भोजन नली को बंद कर देता है। नेक्स्ट दोस्तों आंत्र की दीवार में कोशिकाओं से सिक्रेटिन का स्त्राव किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो किसके द्वारा होता है? कोलीसिस्टोकाइनिन के द्वारा। नेक्स्ट है मानव की छोटी आंत में कौन सा एंजाइम सीधे भोजन पर कार्य नहीं करता है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया है ट्रिप्सिन लाइपेज एमाइलेज, ये तीनों दोस्तों सीधे भोजन पर कार्य करते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है, एमाइलेज ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और लाइपेज वसा का पाचन करता है यानी फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदलता है। तो ये डायरेक्ट भोजन पर कार्य करता है बट एंटीरोकाइनेज जो होता है डायरेक्ट भोजन पर कार्य नहीं करता। नेक्स्ट दोस्तों दांतों में इंसिजर्स कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि दोस्तों मैं बताई हूँ पाचन तंत्र में कि जमाई दांत चार प्रकार के होते हैं, इंसिजर केनाइन प्रीमोरल मोरल। तो ऊपर 16 दांत होते हैं, नीचे 16 दांत होते हैं। तो ऊपर के 16 दांतों में मान लीजिए एक तरफ की आप याद कर लीजिए, जैसे इंसिजर 4 हो गया, केनाइन 2 हो गया एंड प्रीमोरल 4 हो गया, मोरल 6 हो गया, यानी कि 4 2 4 6 इस स्टेप से याद कर लीजिए, इंसिजर केनाइन प्रीमोरल मोरल 4 2 4 6 ठीक, ए 16 के ए हो गए। अगर पूछेगा कि दांतों की इंसिजर कितनी है तो 16 ऊपर की 4 नीचे की 4 यानी कि कुल 8 दांत हो गए आपके इंसिजर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों में केनाइन कितने होते हैं दोस्तों? तो ये ऊपर 2 नीचे 2 होता है यानी कि 4 होता है। नेक्स्ट दोस्तों प्रीमोरल दांत कितने होते हैं? तो ये ऊपर 4 नीचे 4 यानी कि कुल 8 होता है ठीक है। और नेक्स्ट है दांतों में मोरल दांत कितने होते हैं दोस्तों? तो ऊपर 12 नीचे 12 यानी कि कुल 12 दांत होते हैं मोरल के ठीक है, जो सबसे लास्ट में उगते हैं। नेक्स्ट दोस्तों लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम निकलता है? जैसा कि आप सबको पता है टाइलिन एंजाइम निकलता है जो ग्लूकोज यानी शर्करा को माल्टोज में बदलता है यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस के समय ग्लूकोज का इथाइल एल्कोहल परिवर्तित कहाँ होता है? तो यह पेशियों में होता है। कहाँ होता है? पेशियों में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस के अंत में क्या बनता है, क्या होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस के अंत में ग्लूकोज के एक जरर से आपको बनता है, ग्लूकोज का पाइरूविक अम्ल में परिवर्तन होता है ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस के पश्चात कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रक्रिया में 2 पाइरूविक अम्ल बनता है, वो जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जिसमें क्रेब्स चक्र के द्वारा ऊर्जा में परिवर्तित होता है ठीक है, एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट दोस्तों मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा है? तो हमारे मानव के आंत में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे भोजन में विषाक्तता उत्पन्न होती है, किसके कारण हमारे भोजन में विषाक्तता उत्पन्न होती है? बैसिलस एंथ्रोसिस द्वारा। इसके द्वारा? बैसिलस एंथ्रोसिस द्वारा। नेक्स्ट है हमारे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? जैसा कि आप सबको पता है बच्चों में 20 दांत उगते हैं जो दूध के दांत होते हैं वो टूटकर पुनः उगते हैं, यानी कि 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं ठीक है। नेक्स्ट है अधिकतर पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतर पोषक तत्व छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से अवशोषित किए जाते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनता है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, जो मुख में लार निकलता है जिसमें लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और प्रारंभ मुख से ही हो जाता है पाचन का। बट एक और क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में। और भोजन का पूर्ण अवशोषण भी कहाँ होता है? तो छोटी आंत में, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पचे हुए भोजन के विषैले पदार्थ हमारे शरीर में कौन सा अंग अवशोषित करता है? तो विषैले पदार्थ जितने भी होते हैं सब ब्रिक यानी कि जो किडनी होता है वह विषैले पदार्थ को अपने में ले लेता है और रक्त को शुद्ध करके भेज देता है समस्त शरीर में
तो यहाँ पे ब्रिक यानी किडनी हो जाएगा, यानी रक्त को छानने का काम करता है ब्रिक यानी कि किडनी। नेक्स्ट है दांतों की विकृति किस तत्व की कमी से होता है। दोस्तों दांतों की विकृति जो होता है फ्लोरीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? फ्लोरीन की कमी से। नेक्स्ट है हमारे में भोजन में सबसे अनिवार्य अवयव कौन सा है। सबसे अनिवार्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट। कौन है? सबसे अनिवार्य कार्बोहाइड्रेट जो तो इंस्टेंट एनर्जी स्रोत होता है। नेक्स्ट दोस्तों क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो एटीपी का। नेक्स्ट है हमारे शरीर में नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो अमोनिया नाइट्रेट। नेक्स्ट है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। दोस्तों तो ऊर्जा का पावर हाउस या कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया को। यही पे कोशिकीय श्वसन होता है, श्वसन यहाँ पर ही पूर्ण होता है जिसके जिसमें क्रेब्स चक्र होता है जिसमें 36 एटीपी का निर्माण होता है। तो 2 एटीपी का निर्माण ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में पूरा होता है एंड 36 एटीपी क्रेब्स चक्र में मिलता है जो माइटोकांड्रिया में पूरा होता है। तो 36 एटीपी क्रेब्स चक्र का एंड 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस का। कुल 1 ग्लूकोज के जारण से ग्लूकोज के 1 अणु के जारण से 38 एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण किससे होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है थायरॉक्सिन इंसुलिन ग्लूकोकॉर्टिकॉयड ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पे थायरॉक्सिन इंसुलिन ग्लूकोकॉर्टिकॉयड ये तीनों आपके करते हैं कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है पायरुविक अम्ल का निर्माण कब होता है। तो पायरुविक अम्ल का निर्माण कब होता है जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट है दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस के अंत में 6 कार्बन यौगिक अंततः परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं? एटीपी में। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र होता है। तो क्रेब्स चक्र क्या होता है? वायवीय श्वसन होता है। और ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है तो दोस्तों ये आपका समाप्त होता है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में। उसके बाद आपका उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में होगा। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र स्किन, उसके बाद सामान्य ज्ञान, कुछ महत्वपूर्ण बातें होगा। उसके बाद जितने भी खेल हैं उन खेलों से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चंस, उसके नियम, उसके मेजरमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आते होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए दोस्तों, जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिलेगा जिससे मैं आपके लिए अच्छे कॉन्टेंट लेकर आ सकूँगी। तो दोस्तों फॉर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।